शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ए, कौन है तुम? है? अंदर कहाँ जा रहे? Stupid. रुक जा! हाथ ऊपर! आप शायद कर्नल नायर हैं। आज तक सिर्फ नाम सुना था, आज पहली बार देख रहा हूँ। हाथ ऊपर! हाथ पैर सब कुछ ऊपर करूंगा, लेकिन गोली मत चलाना। तुम्हारे नाम कौन है? मेरा नाम? हाँ, सतीश कुमार बंसल। इतने लंबा नाम, छोटा करो। क्या नाम? सतीश कुमार। और छोटा करो। सतीश, छोटा करो। नारंगल, नारंगल, रुके। नारंगल, गलती मत करना, ये इंदर के पिताजी हैं। ओ अच्छा, आपके बारे में सुना था, देखा पहली बार। अयो, सर पे बाल नहीं? इसे नीचे रखिए, वरना जितने वो भी गिर जाएंगे। कैसे हैं आप? मैं जिंदा हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी जिंदा हूँ। अरे इसे जेब में रखिए ना। डोंट वरी, इसमें गोली नहीं, गोली नहीं, गोली नहीं। जाओ जाओ, चलिए अंकल, आप फंसा दिए। गोली लग गई, गोली थी, एक ही थी। किसी दिन कोई ना कोई तो मरेगा। क्या हुआ इंदर, कैसे हुआ ये सब? हाँ, मुझे मारा कुछ लोगों ने। मारा? किसने मारा? किसने जुर्रत की तुम्हें छूने की? बताओ मुझे। नहीं पापा, गलती मेरी थी और ये उसी की सजा है। मुझे और मत पूछना इसके बारे में, कब, क्यों, कैसे, कभी भी। जो भी हुआ है मैं उसे भूल जाना चाहता हूँ हमेशा के लिए। बहुत दर्द हो रहा मेरे बेटे। अब ठीक है तो फिर चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें अभी घर ले चलता हूँ। नहीं, मैं चाहता नहीं कि माँ मुझे इस हाल में देखे, ना ही आप उसे कुछ बताना। नहीं बताओगे ना? प्लीज एक बार ठीक हो जाऊं तो पढ़ाई छोड़कर वापस घर आ जाऊंगा माँ के पास। उसे उसे कहना कि उसकी जो भी इच्छा है मैं वो ही करूंगा। लेकिन क्यों बेटे, तुम अपनी माँ को नहीं जानते? तुम्हारे अरमानों को पूरा करने के अलावा और उसकी क्या चाहत हो सकती है? और मेरी भी, तुम पढ़ना चाहते थे ना, पढ़ना चाहते थे ना, पढ़ाई जारी रखो ना प्लीज। तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगे बेटा, लेकिन उन कमीनों को तो मैं नहीं। पापा, अब उस बारे में सोचना भी नहीं, ये किस्सा अब खत्म हो चुका है। तो फिर मैं कुछ दिन तुम्हारे पास ही रहता हूं, रहूं? कैसे? आप रहेंगे तो मां को शक हो जाएगा कि मुझे। ठीक है, हम अपना ख्याल रखेंगे, तुम भी अपना ख्याल रखना। रुक रुक, क्यों, क्या समझती हो अपने आप को? हमारे दोस्त को इतनी बुरी तरह से पिटवाकर खुद आराम से कॉलेज जा रही हो? हाँ, इंदर की गलती सिर्फ इतनी थी ना कि उसने यह पूछा कि तुम उसे प्यार करती हो या नहीं। एक मिनट, अगर तुमको उसके लेटर लिखने से कोई प्रॉब्लम था तो लेटर फाड़ के फेंक देता, टुकड़े टुकड़े करके उसके मुंह पे मार देता। अरे कम से कम अपना मुंह खोलकर इतना तो बता सकता था ना कि वो तुम्हें पसंद नहीं है। What do you think of yourself? हाँ? तुम सोचते हो तुम्हारे भाइयों के पास 10-12 गुंडे हैं, तुम्हारे पास ताकत है तो तुम लोग कुछ भी कर सकते हो।
देख, इंदर के पापा आ रहे हैं। कौन थे वो लोग जिन्होंने मेरे बेटे को मारने की कोशिश की? हमें नहीं मालूम। हमें मालूम, सब कुछ मालूम है। तुम जानबूझ के मुझे बताना नहीं चाहते। अंकल, सचमुच अपन नहीं जानते। झूठ बोलते हो, सरासर झूठ। बताओ मुझे, बताओ मेरे बेटे को हाथ किसने लगाया, बताओ। सॉरी अंकल, अपन लोग सचमुच नहीं जानते। सॉरी नहीं, बताओ मुझे। हम सच कह रहे हैं, हम कुछ नहीं जानते। कौन थे वो लोग, बताओ मुझे, बताओ मुझे। सच कह रहे हैं अंकल, हम कुछ नहीं। मैं जानता हूँ कि तुम लोग जानते मेरे बेटे को किसने पीटा, जानता हूँ मैं। शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को इंदर को अपना दोस्त बताते हुए। वो पिटता रहा, मार खाता रहा और तुम बेशर्मों की तरह खड़े खड़े तमाशा देखते रहे। लाने दे तुम दोनों पर। Disgusting. सुन लिया तुमने, इंदर उनका इकलौता बेटा है। अगर हम इन्हें तुम्हारे भाई के नाम बता देते तो वो तुम्हारे भाइयों के टुकड़े टुकड़े कर देते। चली जाओ यहां से, आज से तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। आज के बाद हमारा इंदर तुम्हारे रास्ते में नहीं आएगा, ओके? चली जाओ यहां से। लगता है इंदर के दिल में अभी कुछ उम्मीद बाकी है, इसीलिए उसने अपने पिताजी से कहने के लिए हमें मना किया था। अरे जाने देना यार, तू जिसका हार्ट पत्थर का हो उससे क्या बात करता है। जाओ जाओ। छोड़ यार। अरे जाओ। हम आपसे नहीं, कुछ मत कहो, मैं तुम्हारी बात सुनना नहीं चाहता। आप सुनिए प्लीज। मैंने कहा ना मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। मैं सब कुछ भूल गया हूँ और अब मैं कुछ याद नहीं करना चाहता। हम आपसे कहना चाहते हैं कि मैं जानता हूँ तुम क्या कहना चाहती हो, कि तुमने वो खत अपने भाई को नहीं दिया था, उनके हाथ लग गया था, कि तुमने सोचा भी नहीं होगा कि ये सब कुछ हो जाएगा और इसलिए तुम मुझसे माफी मांगने आए हो, यही ना? नहीं। तो फिर हम आपसे कहने आए कि हम आपको पसंद करते हैं। नहीं, मुझे तुम पर विश्वास नहीं। आपको हम पर विश्वास करना होगा इंदर, हम सच कह रहे हैं। आई लव यू। अच्छा तो फिर ले जाओगी अपने भाइयों के सामने, कह पाओगी इसी विश्वास के साथ कि तुम मुझे पसंद करती हो, अपना बनाना चाहती हो? ये सब शायद हम नहीं कह पाएंगे। तो फिर ये झूठी प्रेम कहानी बंद कर दो और यहां से चली जाओ। इस घर का पता जो आपने हमें याद रखने को कहा था वो तो हम नहीं भूले ना। बस इतना सोचा था कि हाँ या ना लिखना है, लेकिन इस तरह हमें आना पड़ेगा, ये कभी सोचा भी ना था। हम जानते हैं कि हमारे और आपके रास्ते बहुत अलग हैं और उनका एक होना बहुत मुश्किल है, लेकिन अब हमारे बीच जो भी मुश्किलें आएंगी हम उनका सामना करने के लिए तैयार हैं। कुछ दिनों बाद जब हमारे भाइयों का गुस्सा ठंडा होगा हम उन्हें सब कुछ बता देंगे। पहले शायद वो राजी ना हो, लेकिन बाद में हमारी खुशी के लिए वो जरूर इजाजत दे देंगे। हमें विश्वास है। लेकिन इस वक्त हम उन्हें वो सब कुछ नहीं कह सकते जो आप चाहते हैं। अगर आपके दिल में हमारे लिए जरा सी भी जगह नहीं तो ठीक है, हम चले जाते हैं।
हम जाएं। हम जाते हैं।